सो भाई ये जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई है ना शूज की, तो यहाँ पे सारे ओरिजिनल शूज मिलते हैं और इनपे ना फर्स्ट कॉपी भी होते हैं। पर आपको अगर आइडिया होगा ना कि फर्स्ट कॉपी कौन सा है और ओरिजिनल शूज कौन सा है, तो आपके साथ ना स्कैम नहीं होगा। तो भाई मेरे को तो आइडिया है कि ओरिजिनल शूज कैसा होता है, और तो मैंने लिया स्केचर का शूज ओरिजिनल विदाउट लेस का। तो गाइस मेरे को शूज मिल गया 800 का, आंटी कह रही थी 1200, मैंने बोला आंटी 800। और ये शूज मिलते हैं कोटला मुबारकपुर नियर बाय साउथ एक्स, होलसेल ना शॉप है एलईडीज की ना होलसेल शॉप है, तो वहाँ उसके सामने है जस्ट ये शॉप। तो जो मैंने शूज लिया मैं आपको दिखाता हूँ घर जाके कैसा शूज है, क्या है पहन वहन के पूरा। और मेरा शूज साइज 6, उसका ब्रांड है स्केचर्स। तो भाई मैं आ गया घर और मैंने गिम्बल में स्विच कर रखा है और लाइट पड़ रही है पूरी फेस पे। और ये जैकेट तुम्हारे भाई की देखो भाई, इसे कहते हैं पफर जैकेट, ठीक है, इसे पफर जैकेट कहते हैं। और इसके दो फैशन मैंने कर दिए, एक ऐसे होता है, इसको मैंने अंदर कर दिया, ठीक है। तो ये है, तो ये ऐसा है। और शूज सबसे महंगे शूज होते हैं, जो पता लगता है कि हाँ भाई कुछ पहन रखा है बंदा ने। स्केचर्स भाई 100 से पार, ये इसका साइन है और अंदर भी लिखा है। और ये है ना इसका एक्स्ट्रा सोल, यहाँ भी स्केचर्स लिखा है और पूरा नियॉन है इसका कलर। और फ्लिप फ्लॉप शूज है, स्लिप ऑन, और कलर है इसका ब्लू, और पैर पे लग रहा बहुत तगड़ा भाई। 800 रुपये में एकदम ओरिजिनल, कॉपी वॉपी नहीं आता, कॉपी में 6 नंबर नहीं आता, हाई कॉपी में आता होगा पर ये हाई कॉपी नहीं है। पता लग जाता है हाथ से छू के, ग्रिप बनती है, बहुत चीजें होती है, 6 नंबर। और भाई 360 घुमा के दिखाता हूँ और अभी पहन के भी आपको दिखाऊंगा। ये इसका ये पीछे आप कील से टांग सकते हो जब आप इसको धोगे, और मतलब जैसे भी आपको, ये इसका स्टाइल है कि आप कील पे इसको टांग सकते हो सुखाते टाइम। और ये आगे भी दिया है और यहाँ भी लिखा है स्केचर्स। फिटिंग कहीं से नहीं फटा शूज, बिल्कुल एकदम न्यू अनयूज शूज है, पूरा एकदम प्योर है, देखो आप हर जगह से। 800 रुपीज में कहीं नहीं मिल सकता, किसी भी मार्केट में नहीं, चोर बाजार में भी नहीं। अब ये चोरी हो ये मुझे नहीं पता, पर भाई अपने पास ओरिजिनल पीस आ चुका है, सिर्फ पॉलिथिन में आता है। डब्बे का हमें क्या करना, डब्बे का हमें अचार नहीं डालना, ठीक है। तो हमें शूज पहनने से वो है मतलब, और इसमें ना लेसेस नहीं है, और मेरे लिए वो चीज़ अच्छी है, और इलास्टिक बहुत अच्छी है, तो इजीली मैं इसको पहन सकता हूँ। बार बार लेस बांधो, ये करो वो करो, जो भाई सुबह सुबह ऑफिस जाता है, जो लेट हो जाता है उसके लिए भी अच्छा है, और जो जिम वर्कआउट करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, कम्फर्टेबल है, आप इससे दौड़ भाग भी कर सकते हो, मतलब वॉकिंग भी रनिंग भी, वो आपके ऊपर है, और बहुत कंफर्ट। और स्केचर्स अब तक सबसे तगड़ा ब्रांड है नाइकी एडिडास से भी ऊपर। इसके शूज ही भाई बहुत हैवी कॉस्ट में आते हैं, और इसका भी 15,000 कुछ तो होगा इसका प्राइस, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने अभी चेक नहीं करा, हाँ अगर मैं चेक करूँगा तो 15,000 का कुछ ये शूज होगा। इसका मॉडल भी इसमें कुछ शो नहीं हो रहा, बाकी शूज आपके सामने है, मॉडल तो मैं टाइटल में मेंशन कर दूंगा और थंबनेल में भी मेंशन कर दूंगा मैं कि इसका मॉडल क्या है। इसका ब्रांड तो स्केचर है, इसका मॉडल नेम क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, कि मैंने अभी चेक नहीं करा, मैंने अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ शूज़। और ये कुछ ऐसा शूज़ है, अब दिखाता हूँ तुम्हें पहन के, सारा इंटरेस्टिंग जो खेल है ना वो पहन के है।
चलो भाई फेस नहीं आ रहा, इतना तो आ रहा है ना। और अभी मैंने लोअर पहन रखा है भाई, नाइकी का ओरिजिनल है लोअर, ये लिखा नाइकी, और से कहते हैं पैराशूट लोअर, क्योंकि इसमें ऑप्शन है जिससे आप इसको लूज कर सकते हो, छोटा बड़ा अपने अराउंड ये रहा खींच के। तो अभी मैंने इसको फुल साइज किया है लोअर को, और ये पूरा भाई ब्लैक है लोअर। कंफर्ट शूज है भाई, इसमें आप सॉक्स पहनो ना पहनो कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है सेक्सी शूज। और सिक्स साइज है, मेरे कंफर्ट आया। और अगर आप सॉक्स भी पहन लो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप सॉक्स नहीं भी पहनोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत कंफर्ट शूज है। स्केचर्स ऐसा ब्रांड है कि कंफर्ट में बहुत प्यारा है, कभी भी इन्होंने कंफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने स्केचर्स के मेरे पास 3 जोड़ी शूज पड़े हैं पहले भी, इसको मिला के 4 हो गए। ये देखो भाई शूज, स्लिप ऑन शूज बोलते हैं ना, कि आप निकालो और देन अंदर वाक आपको आराम से इजीली उतार भी सकते हो, वो चीज मुझे अच्छी लगी। कंफर्ट देख रहे हो इसकी, और क्या डिजाइन भाई, लुक। स्टोर में कम से कम 15,000 का तो शूज ये होगा, 13 से 15,000। स्केचर के सिंपल शूज भी 7,500 के हैं भाई, देखो ऐसे देखो। तुम्हारा भाई यही चीज दिखाता है, तभी तुम्हारे भाई का चैनल अप जा रहा है, अप हवा में एरोप्लेन की तरह। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई लाता ही कुछ ऐसे कंटेंट है, क्योंकि पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बना सकता मेरी मेरी जान। बी रियल बी यूनिक, और बी जेन्युइन। इतना प्यारा शूज है, इतना सॉफ्ट मक्खन। और मेरा शू साइज है 6, तो ये मेरा फिट है। चलो भाई इतनी है वीडियो, देखो इजीली उतर गया। जो भाई जॉब जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये आपके लिए है और आप ले सकते हो, पर जहां से मैं लाया ना वहां आपको जाना पड़ेगा। एड्रेस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया, तो आप पीछे पीछे जाओ उसमें मेरी वीडियो देखो, उसमें मैंने एड्रेस पूरा बोला है वीडियो में, उस एड्रेस में पहुंच जाओ। और ये मार्केट लगती है सिर्फ मंडे को ओनली, शाम में, शाम के 5 बजे से रात के 9:30 लास्ट। और ये कहाँ से ले जाते शूज हमें नहीं पता, हमें खरीदने से हुआ मतलब। और मेरी लास्ट जो अमाउंट होता है ना, जो मैं फाइनल रेट उनको बोलता हूँ शूज देख के, अगर शूज और महंगा होगा तो ज्यादा 950 से 900। और अगर शूज अगर मुझे इनके लगे ना कि इनके फेस पे कि हाँ यार ये 800 रुपए में दे देंगे, तो इन्होंने 800 रुपए में दे दिए, तो पता ना लग जाता है बाय फेस से भी। तो ठीक है इतनी वीडियो है, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग इतना ही था, और तो यही दिखाना था कि कहाँ शूज मिलते हैं और कितने ओरिजिनल मिलते हैं, ये आपको चेक करना आना चाहिए, बाकी आपको पागल बना देंगे, वो आपके हाथ में। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।